हाय गाइस, दिस इज मोनिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे दो टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। पहला ये कि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, और दूसरा एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीख कर हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो आई एम श्योर आज का जो मेरा वीडियो है वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है। आप कुछ नया इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एक पब्लिक स्पीकर में कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज है जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन कौन से ऐसे गुण है जो पूरे कंप्लीट पैकेज बनके एक पब्लिक स्पीकर बनता है। सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, आप बोलने की बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। चाहे आप 10 लोगों के बीच में बोलें या आप लाखों की भीड़ में बोलें, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर अपनी बात को कह पाएं। चाहे आप कितना ही नर्वस हों, लेकिन जब पब्लिक के सामने आप जाते हैं और स्टेज पर बात करते हैं तो बाहर सिर्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपकी नर्वसनेस नहीं। दूसरी जो क्वालिटी है जो एक पब्लिक स्पीकर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसकी भाषा पर पकड़। उसकी भाषा पर बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए। उसकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वजनी शब्दों का वो इस्तेमाल करे। जो जब वो शब्दों को कहे, जब अपनी बात को कहे, तो उसकी बात बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगे और उसके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरती से वो अपनी बात को कहे। तो उसके लिए आपको अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। तो जो अच्छा स्पीकर होता है उसके अंदर भाषा की जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरी क्वालिटी जो एक पब्लिक स्पीकर में होना चाहिए वो है सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, और उसका बोलने का जो अंदाज़ हो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो, बहुत रोचक हो। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, जब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है तो वो माहौल को बदलने की क्षमता रखता है। मान लीजिए आप एक एंकरिंग कर रहे हैं लेडीज़ संगीत की, और कुछ ऐसा सॉन्ग आया जिसमें कि लड़की की शादी है और सारे परिवार के लोग थोड़े से गमगीन हो गए, उदास हो गए, तो एक अच्छा एंकर जो होता है वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उस पूरे माहौल को बदल देता है। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ इस तरह का हो कि आप हास्य का पुट ला पाएं, आप बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी का मखौल बनाए, मजाक उड़ाए, आप लोगों को हंसा पाएं, आप कुछ अच्छा जवाब दे पाएं, आप में हाजिर जवाब भी हो। तो ये खूबी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में होना बहुत ज़रूरी है। चौथी जो क्वालिटी है जो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑडियंस को देखकर उनको भांपने की क्षमता। उनको अपनी ऑडियंस को देखकर ये पता होता है कि वो कौन सी बात को पसंद करेंगे, और वो अपने दर्शकों को देखकर, अपने ऑडियंस को देखकर ये तय कर लेते हैं कि मुझे अपनी स्पीच के दौरान क्या बातें करनी है, क्या कहना है। इसीलिए मैं भी अपने वीडियो में आप लोगों से बार बार ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को जानिए, क्योंकि यदि आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो पांचवा टैलेंट है जो एक पब्लिक स्पीकर में होना चाहिए वो है खुश मिजाज होना और नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। देखिए, ये तो एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। आपको खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब आप नया सीखना बंद कर देते हैं, खुश रहना बंद कर देते हैं, पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आप एक ही जगह पर जाकर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा और आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, नया कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, वो है एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जाहिर सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बोलना है, बात करनी है। आप आईने के सामने खड़े होइए और अपने आप से बात कीजिए। मैं लगभग अपने हर वीडियो में ये बात कह चुकी हूँ कि आपको अपने आप से बात करना सीखना होगा। आप आईने के सामने खड़े होकर जब आंख से आंख मिलाकर खुद से बातें करते हैं तो आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ता है और आपको ये पता चलता है कि किस तरह से अपने हाव भाव आपको रखना है और कैसे आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं।
दूसरी जो चीज़ है जो आपको अच्छा स्पीकर बनने के लिए इम्प्रूव करनी है वो है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा पर पकड़। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो क्वालिटी होती है वो है अच्छी भाषा। तो अच्छी भाषा के लिए आपको अच्छी किताबों को पढ़ना होगा ताकि आपको अच्छे अच्छे विचार भी मिले और नए नए शब्द भी मिले। तो आप अच्छे लेखकों को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए, आप अच्छे वक्ताओं को सुनिए। जब आप अच्छे स्पीकर्स को सुनते हैं तो नए नए शब्द आपको पता चलते हैं, उनका बोलने का स्टाइल आपको पता चलता है। तो इस तरीके से आपकी जो भाषा का ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। तो आपको अच्छी किताबों को पढ़ना है, अच्छे स्पीकर्स को सुनना है और अपनी भाषा को समृद्ध बनाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब किसी किस्से को, किसी बात को कहते हैं तो उनका कहने का स्टाइल इतना दिलचस्प होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हमें उस बात को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि शायद वो किस्सा, वो कहानी, वो बात इतनी खास नहीं होती, लेकिन उनके जो कहने का अंदाज़ है वो बहुत रोचक होता है, बहुत दिलचस्प होता है। तो जब आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो इस तरह की क्वालिटी आपको भी डेवलप करनी चाहिए। अपनी बात को कैसे दिलचस्प अंदाज में कहें, उसके लिए आपको कहानी सुनाना आना चाहिए। किसी किस्से को दिलचस्प तरीके से लोगों को सुनाइए और ये देखिए कि उनका क्या रिएक्शन आता है। तो इस तरीके से अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए और अपने बात कहने के अंदाज को थोड़ा सा दिलचस्प बनाने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए वो ये कि जब भी आप स्पीच देते हैं या एंकरिंग करते हैं या स्टेज पर बोलने के लिए चढ़ते हैं, उसके पहले अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने जो ऑडियंस हैं उनको स्टेज पर चढ़ने के पहले ज़रूर जानिए, उनके बारे में पता कीजिए, स्टडी कीजिए कि वो किस वर्ग के हैं। क्या वो बच्चे हैं, क्या वो ओल्ड एज के लोग हैं, क्या वो बिजनेस के लोग हैं, क्या वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, किस एज के लोग हैं, क्या उनकी सोच है, इस पूरे प्रोग्राम से वो क्या चाहते हैं और आप क्या उनको देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करके जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आपकी जो स्पीच है वो 100% सक्सेसफुल होती है। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है, मुझे ये लगता है कि मेरी जितनी मेहनत है उसका फल मुझे मिल रहा है और आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप में से कई लोग जो अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं उन तक मेरे वीडियो पहुँचे और उनकी थोड़ी सी मदद हो सके। बहुत जल्द मैं पब्लिक स्पीकिंग की एक वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ जो कि ऑनलाइन होगी और वर्चुअली मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। यदि आप भी मेरी पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।